हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव। मैं यहाँ पे आपको डिजिटल लॉजिक फैमिली का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ गेट्स का यूजेस करते हैं वो आपको टेबल यहाँ पे बताऊंगा। इससे एक क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मीडियम स्केल में कितने गेट्स हो सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें कितने गेट्स होते हैं, इसमें हमारा होता है 1 से लेके 12 तक, इसमें हमारा क्या होता है 13 से लेके 99, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 100 से लेके 1000, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में कितने गेट्स आते हैं, तो वहां पे आपको रेंज दी हुई होगी 13 से 99, या फिर कुछ और इसमें से कोई और रेंज दी होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितना है, 1 से लेके 12 तक है। उसके बाद इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 13 to 99 है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या है, 100 to 1000 है। उसके बाद VLSI में कितना हमारे पास है, 1000, मोर देन 1000 है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप इसको लर्न करोगे। जैसे हमारे पास स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए क्या, SMLV, स्मॉल की जैसे स्पेलिंग हम लिखते हैं SMLV हो जाएगा, फिर यहाँ पे V मतलब हो जाएगा कि हम, याद करने की सिर्फ मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, SMLV। वैसे भी आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि स्मॉल है, स्मॉल के बाद क्या होता है, उससे बड़ा मीडियम होता है, मीडियम के बाद क्या होता है, लार्ज होता है, उससे बड़ा क्या होता है हमारे पास, वेरी लार्ज होता है। तो ऐसे भी आप अपना सिक्वेंस में याद रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप छोटे हैं, स्मॉल है मतलब आप छोटे थे, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, 1 से लेकर 12 तक, तो उस केस में आप समझ जाओगे कि जब हम छोटे थे तो हमें ज्ञान नहीं था, हमारी स्कूलिंग कौन, हमारे मम्मी पापा करा रहे थे, कहाँ तक कराया उन्होंने, 1 से लेकर 12 तक कराया। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितने गेट्स हो जाएंगे, 1 से लेकर 12 तक। अब जब आप थोड़े से बड़े हो गए, मतलब मीडियम में आ गए, तो आप मतलब ग्रेजुएशन में चले गए एक तरीके से, तो कितने, 13 में चले गए। तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि जब हम बड़े हो गए, होशियार हो गए, तो 100 में से 99 लाएंगे, तो यहां से क्या हो गया, 13 से लेके 99 हो गया। फिर जब आप और बड़े हो गए, तो आप जब नौकरी पे चले गए, तो आपने देखा कि आपका खर्चा बढ़ रहा, तो 100 से कितना 10 गुना तक, मतलब 1000। तो यहां से कितने आपको चाहत हो गई कि हमें 100 रुपए में काम नहीं चलेगा, हमें 1000 तक चाहिए, 10 गुने तक चाहिए। तो इसकी रेंज कितनी है, 100 से लेकर 1000 तक है। उसके बाद जब आपकी शादी वगैरह होगी, तो फिर आपके बच्चे भी हो गए होंगे, तो आपको लग रहा है कि नहीं, 1000 में भी काम नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ तो आप लार्ज थे, लेकिन यहाँ पे आप वेरी लार्ज हो गए, मतलब आपके बच्चे उच्चे भी हो गए, तो अब आपको 1000 में भी काम नहीं चलेगा, कितना चाहिए, मोर देन 1000 चाहिए, मतलब वेरी लार्ज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे नंबर आप कितने हो जाएंगे, 1000, मोर देन 1000। तो इस तरह से भी आप इनको ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये एग्जाम में, गेट की एग्जाम में, और भी कंपटीशन जो हम जेई की एग्जाम में है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी इससे रिलेटेड आ जाता है, और बिल्कुल हमें क्या करना है, इसको बस नजर कर देखना और टिक मार देना। तो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू इसको लर्न कराया, और आप मेरे चैनल को देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी टॉपिक को लेके आ रही है कि सर हमारा ये टॉपिक हमसे तैयार नहीं हो पा रहा है, या हम उसे लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको, आपकी जो भी कमेंट करेगी कि मुझे तैयार नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी, या मुझे कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, वहां पर आप वहां भी मुझे सर्च करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो मैं उस तरह का आपको ट्रिक लेके आ जाऊंगा, और जिससे आपको काफी फायदा होगा। मेरे चैनल A to Z कैरियर को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे कमेंट बॉक्स में, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे क्या होता है, मोटिवेट होता हूं कि आप लोग काफी लाइक किए हैं, जिस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, मैं उसको उसी अकॉर्डिंग से वीडियो बनाता हूं। आप मेरे फेसबुक पे भी मुझे अरविंद यादव के नाम से, इंजीनियर अरविंद यादव के नाम से आप वहां पे मुझे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।